नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ FCI रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन के बारे में। जो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इसमें कुल 4700 प्लस वैकेंसी है। इसका क्या क्वालिफिकेशन है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, इसका अप्लाई कैसे करेंगे, स्टार्टिंग डेट कब से अप्लाई का, ए टू जेड डिटेल्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जो है हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों विभाग का नाम है भारतीय खाद्य निगम और आप देख सकते हो भर्ती बोर्ड है भारतीय खाद्य निगम। ओके आइए हम बढ़ जाते हैं। तो पद का नाम वॉचमैन एवं अन्य पदों पर भर्ती होना है। कुल पद 4710 पद है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी और सैलरी आपको सातवां पे वेतन के अनुसार सैलरी दिया जाएगा जिस अभ्यर्थियों के यदि चयन होता है। तो लेवल जो है कि राष्ट्रीय स्तर पे है और श्रेणी है सरकारी जॉब। आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है और देश भारत है, राष्ट्रीयता भारतीय है और आधिकारिक वेबसाइट fci.government.in। और अब यहाँ पर देख सकते हो श्रेणी वाइज पद, यहाँ पे देख सकते हो पद का नाम श्रेणी 2 में 35 वैकेंसी है और श्रेणी 3 में 2521 वैकेंसी है, श्रेणी 4 में जो है कि 2154 वैकेंसी, कुल मिला करके 4710 वैकेंसी है श्रेणी लेवल वाइज। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है कि इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन है 8वीं और 10वीं पास है और एज लिमिट देख सकते हो 18 से 30 वर्ष। काफ़ी जो भी ग्रेजुएट वाले वो भी भर सकते हो, 12th पास वाले भी भर सकते हो, 8वीं 10वीं तो भर ही सकते हैं। ओके अब सैलरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सैलरी सातवां पे वेतन के अनुसार दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया गया है, सामान्य के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, OBC के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, SC ST के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा आवाज़ आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा क्योंकि अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हो रहा है। तो ओके तो आप लोग थोड़ा आवाज़ मैनेज कीजिएगा। और अधिसूचना दिनांक 9 मई 2022 से इसका अधिसूचना निकाल दिया गया है और आवेदन शुरू तिथि जैसे ही निकालती है 2-4 दिनों में आपको अप टू डेट कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। अब दोस्तों हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, कहीं अभी जाइएगा नहीं। यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो शारीरिक मापदंड होगा, इसके बाद जो है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाला है, इसके बाद लिखित परीक्षा होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद जो है कि दस्तावेज सत्यापन के बाद आपको जॉब दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।